राजधानी दिल्ली के ईओडब्ल्यू के डीसीपी विक्रम कोरवाल की टीम ने एक ऐसे शातिर चीटर को धर दबोचा है जिसके ऊपर 7 एफआईआर चीट फंड की है जो प्रॉपर्टी रिलेटेड है। आपको बता दें कि ईओडब्ल्यू में एक शिकायत दर्ज करवाई गई थी योगेश त्यागी ने, जिसके साथ 4,85,00,000 रुपए की धोखाधड़ी व ठगी किया गया था, जो गुनवीन सिंह और जतिन पाल सिंह ठगी के मामले को अंजाम देते थे। इन्होंने दिल्ली के छतरपुर इलाके में एक व्यक्ति से 4,85,00,000 रुपए की ठगी की थी। प्रॉपर्टी फार्म हाउस के नाम पर जिसे ईओडब्ल्यू के डीसीपी विक्रम पोरवाल की टीम ने इसको दिल्ली से धर दबोचा है। केस में कल 2 भागे हुए अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम गुनवीन सिंह और जितिन पाल सिंह है। ये दोनों ईओडब्ल्यू के केस में वॉन्टेड थे, जो कि कंप्लेनेंट मिस्टर योगेश त्यागी की कंप्लेंट पे दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने ये एलिगेशन लगाया था कि ये दो लोग और इनके और साथियों ने मिलकर उनसे 4,85,00,000 रुपए की ठगी की थी। वो इस तरह से ठगी की गई थी कि इन्होंने कंप्लेनेंट को एक प्रॉपर्टी दिखाई जो कि छतरपुर में स्थित है, और उस प्रॉपर्टी के ओनर का ATS उन्होंने इनको दिखाया, एग्रीमेंट टू सेल, जिसके आधार पे उन्होंने बोला कि मुझे ये अधिकार दिया है ओनर ने, मैं ये आपको सेल कर सकता हूँ। बता दें कि दिल्ली के अंदर इसके ऊपर ठगी के 7 मामले हैं जो थाना प्रीत विहार, थाना बदरपुर, थाना हरिनगर, महरौली थाना, ईओडब्ल्यू थाना कपासेड़ा बॉर्डर, थाना मायापुरी के अंदर दर्जनों FIR दर्ज है। साथ ही महरौली प्रॉपर्टी फ्रॉड मामले में यह जेल भी जा चुका है। हमारे साथ बात करने के लिए ईओडब्ल्यू के DCP विक्रम पोरवाल जी हैं। 5 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में 2 लोगों को अरेस्ट किया गया, इनमें बात करेंगे क्या पूरा मामला है सर, किस तरीके से ये ठगी करते थे और क्या मामला है और इनको कहां से अरेस्ट किया गया है। ये एक केस ईओडब्ल्यू में दर्ज किया गया था श्री योगेश त्यागी की कंप्लेंट पे, जिसमें उन्होंने ये एलिगेशन लगाए थे कि उनको दो लोग गुनवीन सिंह, जितिन सिंह और उनके कुछ साथियों ने मिलकर 2 एग्रीमेंट टू सेल के नाम पे 4,85,00,000 रुपए की ठगी की है। तो इसमें हमने केस दर्ज किया और इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया कि पहला एक प्रॉपर्टी इनको दिखाई गई अपराधियों के द्वारा, जिसमें इनको बोला कि आप ये ले सकते हैं हमसे क्योंकि हमारे पास एग्रीमेंट टू सेल ऑलरेडी है ओनर के द्वारा। उसके आधार पर इन्होंने 2,80,00,000 रुपए इनको थ्रू बैंक पे कर दिए। बाद में इनको पता चला कि उस पर ऑलरेडी एक सिविल सूट चल रहा है, जिस वजह से ये इनके पास आ नहीं सकती। तो इन्होंने जब पैसे वापस मांगे, उन्होंने एक दूसरी प्रॉपर्टी दिखाई सेम एरिया में छतरपुर में, और उसमें फिर 2,05,00,000 रुपए इन्होंने दिए। और बाद में फिर उसमें भी यही पता चला कि वो भी एक पारिवारिक डील के चलते इस समय वो सेल नहीं की जा सकती, इसलिए वो डील भी इनकी व्यर्थ रही, और जिसके आधार पे इन्होंने ये चीटिंग की कंप्लेंट हमारे यहाँ की थी। इनके ऊपर कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं और कहाँ कहाँ पे हैं, क्या दिल्ली के अलावा बाहर भी कुछ है इनके ऊपर? हमारे पास दिल्ली का रिकॉर्ड है, इसमें 7 केसेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं अलग अलग थानों में, जैसे महरौली, प्रीत विहार वगैरह, और उसमें एक केस में ये अरेस्ट भी पहले हो चुके हैं और फर्दर हम अभी और जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। सर एक छोटा सवाल है कि जिस तरीके से ये लोग काम करते हैं, क्या इनके अलावा और भी कोई चेन जुड़ सकता है? इसमें ये इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा कि और कौन कौन इनके साथ शामिल थे। जैसे कि एक फेक बैंक अकाउंट खोला गया था एक प्रॉपर्टी के ओनर के नाम पे, उस पर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। इस तरह से अगर हो सकता है कि ये तार और भी कहीं जुड़े जो इस तरह की चीटिंग में संलिप्त हैं। जिस तरीके से आपने सुना, विक्रम पोरवाल जी हमारे साथ थे बात करने के लिए, यानी 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है जो कि 5 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले मामले में। हालांकि इनके ऊपर दिल्ली के अंदर 7 केसेस रजिस्टर हैं, जिसे विक्रम पोरवाल की टीम ने, ईओडब्ल्यू की टीम ने इनको जो है दिल्ली के अलग जगह से इनको धर दबोचा और लगातार कार्रवाई जारी है। कैमरा पर्सन आकेश चौधरी के साथ मैं प्रिंस जायसवाल, दिल्ली समाचार टीवी। आपको बता दें यह दोनों शातिर ठग पंजाब के रहने वाले हैं। वहीं इस मामले में ईओडब्ल्यू के DCP विक्रम पोरवाल कस्टडी में लेकर लगातार पूछताछ कर रहे हैं। दिल्ली से प्रिंस जायसवाल की रिपोर्ट।